चैप्टर 13 एक्सरसाइज 13.1 टू क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इफ टू एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटर आर 40 डिग्री एंड 110 डिग्री आर एंड द अदर टू आर इन द रेशियो 3:4 फाइंड दीज एंगल्स तो हमें क्वाड्रिलेटर्स के फोर एंगल्स को फाइंड करना है अभी तो चलिए इसे टू टाइप्स हम सॉल्व करते हैं ठीक है फर्स्ट है ये मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटर है क्वाड्रिलेटर अनइक्वल साइड्स होते हैं सो यू नो दैट ए बी एंड सी डी ओके एंगल्स एंगल ए सपोज हम यहाँ लेट कर लेते हैं कि 40 डिग्री है सपोज ठीक है 110 तो पहले हम इजी वे पे इसे सॉल्व करते हैं अब यहाँ पे देखिए रेशियो फॉर्म पे दिया हुआ है तो कोई भी आप क्वेश्चन अटेंड करते हैं अगर आपको रेशियो फॉर्म पे कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चैप्टर का उसे आप सबसे फर्स्ट यहाँ पे लिख लीजिए लेट द रेशियो ऑफ टू एंगल्स ऑफ एंगल्स भी कर सकते हैं एंगल्स एंगल सी और एंगल डी इनका रेशियो मान लीजिए दिया है 3:4 सो हम यहाँ पे क्या कर देंगे 3x एंड 4x अगर आप सोच रहे हैं इसके करने की वजह क्या है सर कि मतलब हमने इसे रेशियो फॉर्म से एक्स फॉर्म पे क्यों कर दिया तो देखिए एक्सरसाइज 12 में क्वेश्चन नंबर 13 है एक स्क्वायर का एक क्वेश्चन है इसमें सिर्फ डायगोनल्स दिया हुआ है गिवन द लेंथ ऑफ डायगोनल्स 10 सेंटीमीटर तो हमने यहाँ पे 10 किया पाइथागोरस का चैप्टर है अब हम जानते हैं कि स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं तो हमने लेट किया इसके साइड्स क्या हैं ए और ए ठीक है अगर ये ए है तो सभी ए होंगे तो देखिए अगर हमारे पास दो साइड सेम है तो हमारे लिए एक प्रॉफिट हो जाता है कैसे जब हम पाइथागोरस अप्लाई करें तो हमें एक साइड ए ही ए मिलेगा तो उससे क्या होगा कि वो एक ही वेरिएबल्स हमें फाइंड होते हैं ठीक है और उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं इसीलिए हमने यहाँ पे रेशियो को चेंज किया एक एक्स फॉर्म पे ठीक है क्योंकि जब चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा एक 3x हो जाएगा और एक 4x हो जाएगा और हम इस क्वाड्रिलेटर की प्रॉपर्टी से इसे सॉल्व कर सकते हैं वो प्रॉपर्टी क्या है आल्सो वी नो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटर क्वाड्रिलेटर हो या कोई भी फोर साइड्स हो अगर फोर साइड्स है तो उसके एंगल्स को ऐड करेंगे तो कितने डिग्री का होता है 360 डिग्री का तो सभी साइड्स को ऐड करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल टू 360 क्लियर अब यहाँ पे देखिए ऑलरेडी हमारे पास है वी हैव एंगल ए 40 डिग्री प्लस एंगल बी 110 एंगल सी 3x एंड एंगल डी 4x इक्वल टू 360 अब यहाँ पे देखिए 110 40 150 हो जाएगा 150 को ट्रांसफ़र कर देते हैं अब 4x और 3x क्या हो जाएगा 7x तो 360 माइनस 150 सो x इक्वल टू 0 माइनस 0 6 माइनस 5 1 2 माइनस 1 3 माइनस 1 2 सो 7 को ट्रांसफ़र करेंगे डिवाइड फॉर्म पे आ जाएगा 7 3 20 क्लियर सो x की वैल्यू क्या हो गई 30 सो इससे हम फाइंड कर सकते हैं कि एंगल C और एंगल D की वैल्यू क्या होगी सो एंगल D हैंस एंगल चलिए D पहले लिख लिए तो डी एक्स कर लेते हैं तो 4 × 30 4 3 12 120 डिग्री एंड नेक्स्ट एंगल C यहाँ पे 3x है सो 3 × 30 3 3 90 डिग्री मीन्स एंगल सी आपका 90 डिग्री है और एंगल डी जो है 120 और मान लीजिए आपको हम जानते हैं कि आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद भी आया होगा लेकिन अगर आपको ये पसंद नहीं है तो एक और ट्रिक है हमारे पास उसे भी आप अप्लाई कर सकते हैं ठीक है इसे शॉर्ट फॉर्म पे आपको बता देते हैं देखिए ये दो टू एंगल्स का हमारे पास वैल्यू फाइंड नहीं है इसमें हम रेशियो नहीं लेंगे एक्स और एक्स को फॉर्म पे तो हमारे पास टू एंगल्स का है तो श्योर है कि टोटल तो 360 होता है ना कितना होता है 360 अब ये जो एंगल होंगे श्योर है कि इस इन दोनों को ऐड से मतलब इन दोनों का ऐड कितना है 150 यहाँ पे देखिए 150 माइनस करने में 210 कितना आ गया 210 तो श्योर है कि इन दोनों का ऐड 210 होगा ये तो क्लियर है ना भाई ये दोनों तो 150 हो गए ना दोनों मिलके और टोटल कितने होते हैं 360
तो ये दो बच्चे वो 210 ही होंगे ना, उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकते, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम ट्रायंगल ले लें, ट्रायंगल के कितने होते हैं 180 डिग्री, अगर हम यहाँ बोल दें कि ये 60 है ये 60 है, तो श्योर है कि ये दोनों मिलके तो 120 हो गए ना, तो अब टोटल कितने होते हैं 180, तो श्योर है कि ये वाला भी 60 डिग्री होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो हमने मतलब समझ में आई बात कि अगर ये 360 है और इन दोनों का टोटल 150 है, तो श्योर है कि इससे माइनस करेंगे तो ये दोनों का एंगल का ऐड 210 ही होगा। देखिए प्रूफ भी करते हैं कैसे, ये दोनों का ऐड करिए 210 ही होगा। अगर अगर राइट है तो हमारा ये राइट होगा, अदरवाइज ये रॉन्ग होगा। देखिए ऐड करिए 0 0 0 9 2 11 1 और 1 एंड 2, क्लियर हो गया ना, तो यानी समझ में आ गई बात। तो ये जो एंगल सी और एंगल डी है वो कितना होगा, सम ऑफ रिमेनिंग टू एंगल्स कितना होगा, 360 माइनस इन दोनों का ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे हम ऐड कर देते हैं 40 डिग्री प्लस 110, तो कितना आ जाएगा प्लस करके और इससे माइनस करने में 210, ये हमने कर दिया है। ठीक है, अब श्योर है कि हमारे पास रेशियो किस फॉर्म पे है, 3:4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो एक कैलकुलेशन आप ऑलरेडी जानते हैं कि मान लीजिए आप रेशियो वाला क्वेश्चन तो ऑलरेडी अटेंड किए होंगे कि अगर टू स्टूडेंट्स मान लीजिए फेयर यानी मेला में कोई भी प्रोडक्ट सेलिंग करते हैं, उन्होंने 1000 रुपीज़ क्या किया मतलब अर्निंग की। अब इन दो स्टूडेंट ने इतने रेशियो फॉर्म पे उसे क्या किया मतलब कंट्रीब्यूट किया था 3:7 में। अब इन्हें डिस्ट्रीब्यूट करना, ये ए है ये बी है, तो क्या करेगा, ये ए का आपको निकालना है तो 3 ऊपर कर दीजिए, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3 + 10 इंटू 1000, 0 0 कैंसिल, यानी ए को मिला 300 रुपीज़ और बी को मिला 700 रुपीज़। अगर हम बी का भी निकालें तो 7/10 लिखेंगे, तो 10 से 0 कटा, 700 700, तो वही तो यहाँ पे भी करना है। तो 210 है, इसे डिस्ट्रीब्यूट करना 3:4 में, तो इसे हम मान लेते हैं एंगल सी का 3, एंगल सी का हम क्या मान लेते हैं 3, तो 3/ इन दोनों को ऐड कर दीजिए, 3/4 क्या हो जाएगा 7 इंटू 210, 7 3 = 20, 3 3 = 9, देखिए 90 डिग्री आ गया। और अगर एंगल डी भी निकालना है तो आपका क्या है यहाँ पे 4 रेशियो में, तो 4/7 इंटू 210, 7 3 = 3 4 = 12, देखिए दोनों सेम आ गए। तो आपको जो पसंद हो इनमें से टेक कर लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन सेकेंड, सेम क्वेश्चन, इन द एंगल ऑफ क्वाड्रिलेटरल टेकन इन ऑर्डर आर इन द रेशियो 1 2 3 4। तो चलिए पहले एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, ये हो गया। अब इसे प्रूव करना कि ट्रेपेजियम है, तो याद रखिएगा आप रेक्टिलिनियर मतलब या मेंसुरेशंस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आपको अगर सभी प्रॉपर्टीज़ नहीं मालूम है आप कोई भी क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर सकते। अब आप सोचते हैं कि सर ट्रेपेजियम कैसे करें, अरे भाई ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी जानी है ना, ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये अनइक्वल होते हैं, हमें यही तो प्रूफ करना है। अगर यही प्रूफ हो गया तो ट्रेपेजियम कहलाएगा, ये दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए, इसलिए हमने पहले से इसे डिज़ाइन भी कर दिया। चलिए ए बी सी एंड डी, अब सभी एंगल्स रेशियो में, अब आप कौन सा पसंद करना चाहते हैं इसमें से ही सेलेक्ट कर लीजिए, ये अगर आपको पसंद है तो ये वाला होगा, ये वाला आपको अगर पसंद है तो इससे आप कर सकते हैं। तो चलिए इसे हमने फुल डिटेल आपको बताया, आप चाहें तो इस क्वेश्चन को सेकंड नंबर को लेट द रेशियो ऑफ 4 एंगल्स 1x 2x 3x एंड 4x सभी कर लीजिएगा। अब यहीं से कर लीजिए 4 3 7 2 9 1 10, तो ये 7x के प्लेस पे 10x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 10x, क्योंकि सभी x में होंगे। अब x को ट्रांसफ़र करेंगे तो यहाँ 360 होगा, तो 10 को ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या आएगा 36। अब हम पहले से ही आपको क्लियर कर देते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, 36 1 = 36 यानी एंगल ए का 36 आएगा, 36 2 = 72 ये आपका आंसर है, 36 3 = थोड़ा इंटू कर लेते हैं, 3 3 = 9 और सॉरी 3 6 = 18, 1 remainder 3 3 = 9 1 10 यानी 108 आएगा। अब 4 में इंटू करेंगे इसी का 36 का, तो 4 6 = 24, 2 remainder 4 3 = 12, 2 14, देखिएगा यही आंसर आएगा। हम इसको करते हैं रेशियो फॉर्म पे, ठीक है इस फॉर्म से, जबकि हम पहले से आंसर यहाँ पे क्लियर कर दिए। अब चेक करते हैं यही होता है अदरवाइज दूसरा। तो फर्स्ट हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे दिया है इन क्वाड्रिलेटरल
ए बी सी डी। तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एंगल ए रेशियो एंगल बी रेशियो एंगल सी रेशियो एंगल डी इक्वल टू 1:2:3:4। अब वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल्स इन क्वाड्रिलेटरल क्या होता है 360। चलिए वन बाय वन आप कर लीजिए। तो एंगल ए का फाइंड करना है तो एंगल ए का कितना रेशियो है 1 और डाउन साइड आप कर दीजिए सम ऑफ ऑल एंगल सबको ऐड कर दीजिए 1+2+3+4 × 360। चलिए 1/4 = 9/10 सेम ही करना है नो डाउट। 0 से 0 कैंसिल 36 देखिए फर्स्ट आया 36। चलिए एंगल बी अब आपको बार बार करने की ज़रूरत नहीं कि आप वन अपान करें। अगर आप जल्द से जल्द करना चाहते हैं तो देखिए हर बार तो 10 ही नीचे आएगा ना, ये 0 0 ही कैंसिल होगा, तो 36 का आप इसमें इंटू करते चलिए। यानी आप करना चाहें तो डायरेक्ट इंटू कर सकते हैं लेकिन हमें तो करना ही पड़ेगा 2/10 × 360। ये आ गया आपका 72। नेक्स्ट एंगल सी, ये देखिए 72 हुआ ना, ये आपका 72। एंगल सी 3, तो 3/10 × 360 0 कैंसिल 36 3 = 108 एंड एंगल डी इक्वल टू 4 है तो 4/10 × 360 0 कैंसिल 36 4 = 144। अभी हमने सॉल्व किया ये आपका आंसर, लेकिन अभी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, हमें ट्रेपेजियम फाइंड करना है। सो इसको प्रूव करने के लिए हमने बहुत सर्च किया तब हमें आपको प्रॉपर्टी दिखाने को मिला। ये 291 पेज पे देखिएगा, ये आपका चैप्टर, इसी चैप्टर में कंस्ट्रक्शन के सबसे लास्ट में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पे सेकंड नंबर देखिए, अ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम इफ, किस कंडीशन पे, क्या ए बी पैरेलल सी डी होता है, तो हमारा डायग्राम ए बी डाउन साइड होता है सी डी वो तो पैरेलल होता है, इक्वल नहीं होता, पैरेलल इक्वल नहीं हो सकते। ए डी इक्वल टू बी सी नेवर, वो तो अनइक्वल साइड है बगल बगल वाले, ठीक है। एंगल ए प्लस एंगल सी अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, ए इक्वल टू 180 होते हैं, नहीं होते, क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम में नहीं होते, ठीक है। ये किस में होते हैं, पैरेललोग्राम में होते हैं, किस में होता है पैरेललोग्राम में। एंगल बी प्लस एंगल सी, हाँ ये होता है को इंटीरियर एंगल, क्या होता है एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी ट्रेपेजियम की आइडेंटिटी क्या होती है एंगल बी प्लस एंगल। आप इसका आंसर जरूर चेक कर लीजिएगा, ठीक है, आपका डी ही होगा। तो इसका मीन्स क्या होगा कि हमें ये प्रूव करना है ट्रेपेजियम के लिए कि इसके को इंटीरियर इन दोनों को ऐड करें तो 180 डिग्री होने चाहिए, अगर है तो ये ट्रेपेजियम है अदरवाइज नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी, ठीक है 180 होना चाहिए, तो 36 + 144 6 4 10 4 3 7 1 8 और ये बना हुआ 180 डिग्री। एक और है आपका को इंटीरियर एंगल बी प्लस एंगल सी, सो कितना है 72 + 108 8 × 10 1 रिमाइंडर और 7 0 7 1 8 और ये 180 डिग्री हुआ। तो ये किससे हुए, को इंटीरियर एंगल से। तो यहाँ पे आप लिखेंगे ये को इंटीरियर अगर है 180 डिग्री तो ये आपका पैरेलल होगा। सो तो यहाँ पे आप लिखेंगे ऑल दीज, यहाँ पे ये क्या है दोनों को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स, ठीक है को इंटीरियर एंगल्स और सम ऑफ को इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री इन ट्रेपेजियम। सो इससे क्या हो गया कि ए बी जो है वो पैरेलल हुआ सी डी के, ए बी पैरेलल हुआ सी डी के, हेंस ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम, ये आपका प्रूफ हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसको स्टार्ट करने से पहले एक बात बता दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर साइड्स में सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी रखने वाला वो है पैरेललोग्राम, सबसे ज़्यादा याद रखिएगा। चलिए हम इसके प्रॉपर्टी पहले आपको बता दे रहे हैं, पहले डायग्राम यहाँ पे शो करते क्योंकि पैरेललोग्राम का ही है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले पैरेललोग्राम की हम प्रॉपर्टी बता रहे हैं, ए बी सी एंड डी, आपको एट प्रॉपर्टी बताते हैं। अपोजिट इक्वल होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, ए साइड्स इक्वल होते हैं, ये तो क्लियर है। अपो इसके साथ साथ अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं,
देखिए अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, नो डाउट, अपोजिट एंगल भी इसके इक्वल होते हैं, और जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं यानी इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं यानी इक्वल। अगर हम यहाँ बाइसेक्ट भी कर दें तो यहाँ पे जो इंटरसेक्ट होगा ओ मान लीजिए, तो ओ ए इक्वल टू ओ सी, ओ बी इक्वल टू ओ डी भी होता है, ठीक है, ये भी हो गया। अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, 3 से 4 हमने आपको बताया। देन थर्ड, एडजेसेंट साइड, अगर कोई इंटीरियर एंगल को ऐड कर दें किसी भी साइड से 180 डिग्री होना चाहिए, जो अभी हमने ट्रेपेजियम में दिखाया आपको, यानी ए को डी से जोड़िए तो भी 180 होना चाहिए, ए से बी को ऐड करिए तो भी 180 होना चाहिए, बी से सी को ऐड करिए तो भी 180 होना चाहिए, सी से डी को ऐड करिए तो भी 180 होना चाहिए। तो आपको हमने फुल प्रॉपर्टी आपको बता दी, अब आपको ऑलरेडी समझ में आ जाएगा कि इसे क्या करना है। देखिएगा क्वेश्चन क्या है, इन एन एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज टू थर्ड मतलब होता है 2/3 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट इसी को तो बोलते हैं, ये एडजेसेंट है, ये जो कॉर्नर होता है ना दो लाइन, ये जैसे बनाइए देखिए, ये एडजेसेंट हो गए, जो दो साइड्स को जो ज्वाइन कर दे वही एडजेसेंट है, जो आपको पसंद है उसको ले लीजिए। तो हम क्या, ये आपका क्या हुआ, पहले आपको दिया क्या गया, ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, कोई भी एक ले लेते हैं, चलिए एडजेसेंट एंगल साइड, ये एडजेसेंट एंगल हुआ, साइड हमने ले लिया ए और बी को, ठीक है, ये साइड हो गए जो ज्वाइन हुए साइड, देखिए कॉर्नर हुआ ना दो साइड, ये तो हमने ये ले लिया, ये और ये, तो इसमें देखिए एडजेसेंट साइड क्या हुआ, ए और बी, इधर भी है इधर भी है, तो एंगल अभी इसे हम करते हैं मान, लेट करते हैं क्योंकि ये बोला गया 2/3 ऑफ इट एडजेसेंट एंगल, तो हम लेट करते हैं, लेट एंगल ए, क्योंकि भाई 2/3 में, तो एंगल ए को हम कर लेते हैं एक्स, तो एंगल बी क्या हो जाएगा आपका 2/3 है, तो 2/3x, सिंपल। और हम प्रॉपर्टी क्या जानते हैं कि दो एंगल्स को इंटीरियर एंगल्स को ऐड करें तो 180 डिग्री होता है, अभी हमने जस्ट आपको बताया, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम इज 2/3 इन पैरेललोग्राम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल एंगल्स इज 180 डिग्री। अब ऐड कर दीजिए आप, एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए आपका एक्स है और ये आपका 2/3x है इक्वल टू 180, श्योर यहाँ एलसीएम होगा 3x प्लस 2x इक्वल टू 180, भाई यहाँ पे एलसीएम हुआ तो एलसीएम यहाँ क्रॉस मतलब 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 का आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3x 2x कितना हो जाएगा 5x, और 18 3 जा 54, 180 का 3 में इंटू हो गया 54 आ गया। अब यहाँ पे देखिए x को 5 को ट्रांसफ़र कर देते हैं तो x इक्वल टू 540/5, 5 1 जा 5, 4 स्मॉलेस्ट है तो 0 को यूज़ करेंगे, 5 8 जा 40, यानी x की वैल्यू 108 डिग्री हुआ। सो एंगल x का मीन्स एंगल A, भाई एंगल A ही तो x है, तो एंगल B क्या हो जाएगा 2/3 इंटू एक्स है, यहाँ पे दो चीज़ों के बीच हमेशा इंटू होता है, 180 कर दीजिए, 3 3 जा 9, 1 रिमाइंडर 3 6 जा 18, 36 2 जा 72। अब प्रूफ भी तो करें भाई, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को रखता है नहीं रखता, तो यहाँ पे देखिए ये तो क्लियर है कि दो एडजेसेंट एंगल्स को हम ऐड करें, कोई इंटीरियर एंगल को ऐड करें तो 180 होना चाहिए, तो ए और बी को ऐड करके चेक कर लीजिए, 180 है नहीं तो 180 ही होगा, ये तो नो डाउट, क्योंकि उसी प्रॉपर्टीज तो सॉल्व हुआ है, देखिए 18 और 72 180 ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला गया, फाइंड द ऑल एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, तो ए को लिखिए आप यहाँ पे 108, बी को लिखिए 72। हमने आपको क्या प्रॉपर्टी बताया था कि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, तो पैरेललोग्राम में एंगल बी का अपोजिट क्या हुआ, एंगल डी, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी, किसमें, इन पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम प्रॉपर्टीज अपोजिट एंगल्स इक्वल, ठीक है, तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये भी 72 डिग्री होगा। नेक्स्ट एंगल ए एंगल सी,
तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 108। ये आपका क्लियर हो गया, सभी एंगल्स हो गए ना ए बी सी डी, कि किस रीजन से हो गए अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ये आपका क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। देखिए फिर से पैरेललोग्राम आ गया, सबसे ज्यादा आपको क्वेश्चन पैरेललोग्राम के ही मिलेंगे क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी इसी की होती है। इन विच डी ए बी इक्वल टू 70, डी बी सी इक्वल टू 80, कैलकुलेट द एंगल, हमें फाइंड करना है। देखिए 70 किसका होगा याद रखिएगा, जो सेंटर पे होगा उसी का है 70, यानी हम क्लियर है कि ए का ही होगा। यहाँ पे सेंटर पे क्या है बी, यानी बी का ही 80 डिग्री होगा। चलिए सॉल्व करते हैं, ये देखिए ए और बी पे ही पड़ा है, चलो जिधर से भी हो डी ए बी। अब देखिए इसे हम बिना सॉल्व, बिना पेन पकड़े, बिना सॉल्व किए ही हम यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं प्रॉपर्टी से। कैसे, ध्यान से देखिएगा, हमको ये भी मालूम नहीं कि हम किसका फाइंड करना है, छोड़िए उसको। प्रॉपर्टी क्या है पैरेललोग्राम की, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, अभी प्रूव किए, तो ये 70 है तो ये 70 होगा, नो डाउट, क्योंकि भाई पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। अब ये बताइए आपको ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है तो ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री, तो 8 7 15, तो 150 हो गया, तो ये श्योर है कि ये 30 होगा ना। तो अब आपको क्या फाइंड करना, देखिए सी डी बी कहाँ है, सी डी बी ये देखो फाइंड भी हो गया 30। अब ए डी बी कहाँ है, ए डी बी, ए डी बी ठीक है भाई, हमें ये भी चाहिए, हम इसे भी फाइंड करते हैं क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये 30। अब ये बताइए पैरेललोग्राम है ना, तो पैरेललोग्राम की एक और प्रॉपर्टी तो है ये पैरेलल है, एक डायगोनल्स खींच लीजिए तो ये अल्टरनेट इंटीरियर भी तो होता है ना, ये भी तो अल्टरनेट इंटीरियर है, तो ये 30 है तो ये भी 30 होगा कि नहीं होगा, होगा तो 70 30 कितना होता, अब ये ट्रायंगल बन गया, 70 30 कितना होता 100, तो भाई ये कितना हुआ 80। अब जो बोल रहे हैं उसे राइट कर लेते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइंड सॉल्यूशन, जो जो यहाँ पे हमने किया वही चलिए करते हैं। फर्स्ट हमने क्या किया था, अपोजिट एंगल, तो इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल सिंपल, तो एंगल ए इक्वल टू एंगल सी, मतलब ये 70 है तो 70, चलिए फर्स्ट प्रूफ हुआ। अब आ जाइए इन ट्रायंगल, हम फिर उसके बाद 30 पे आए थे, तो डी बी सी, नाउ इन ट्रायंगल डी बी सी, तो हम ऑलरेडी जानते हैं प्रॉपर्टी, क्या जानते हैं कि एंगल बी, एंगल बी नहीं राइट कर सकते अदरवाइज रॉन्ग हो जाए, क्योंकि एंगल बी जो है हाफ है, तो डी बी सी लिखिएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे एंगल डी बी सी है वो बी ही, नो डाउट, हाँ सी को आप ओपन लिख सकते हैं क्योंकि वो सिंगल है, कोई बाइसेक्ट नहीं है, लेकिन डी को भी नहीं लिख सकते आप, बी डी सी ही लिखना पड़ेगा आपको, बी डी सी इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए डी बी सी बताइए, डी बी बी यानी 80 डिग्री, एंगल सी फाइन, एंगल सी 70 हो गया, प्लस बी डी सी यही तो फाइंड करना है, बी डी सी ये जो आपका फर्स्ट नंबर है 180 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो ये आपके आ गया आंसर 30 डिग्री, आ गया 30। चलिए ये हो गया, अब चलिए सेकंड पे चलते हैं। सेकंड के लिए ये देखिए हमने क्या बताया था कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है भाई, ये 30 है तो ये 30 होगा, किससे, तो आप लिखिए एंगल सी डी बी, ध्यान से देखिएगा सी डी बी कैसे अल्टरनेट इंटीरियर शो करते हैं, सी डी बी, अब इसका अल्टरनेट इंटीरियर क्या होगा, ये वाला, तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे प्रूव किया 80 है, तो ये आप ये भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, सम आप जो हम लास्ट पे किए, चलिए उसको छोड़िए अभी बाद में करते हैं, ये 30 है 30, तो सी डी बी, सी डी बी इक्वल टू ए बी डी, ए बी डी सिंपल, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है 30 डिग्री, तो ये 30 हो जाएगा ना, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे ये किसकी वैल्यू है, सी डी बी, सी डी बी, ठीक।
ठीक है, ये आपका लिखा है CDB, वो अपोजिट लिखा है उससे कोई मतलब नहीं है, डी सेंटर पे होना चाहिए बस। इसका 30 डिग्री, तो ये भी आपका 30 डिग्री हुआ ABD। किस रीजन से? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे? इसमें आपका इन पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और किस रीजन से हुआ? BD ट्रांसवर्सल है, एंड BD इज ट्रांसवर्सल, ये जरूर लिखिएगा। BD क्या है आपका? ट्रांसवर्सल है। तो ABD की वैल्यू क्या हो गई? 30। अब भाई हम सम ऑफ ऑल एंगल क्यों करें इस ट्रायंगल में? अगर ये 30 है, ये 30 है, ये भी 30 हो गया, अब ये 80 है, तो ये भी तो 80 होगा ना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, तो इसको भी लिख दीजिए साथ में। सम आप कर, आप सम करना चाहते हैं सम कर लीजिए, नो डाउट, और आपको अगर अल्टरनेट बताना है अल्टरनेट बता लीजिए। एंड हम तो भाई यही करेंगे, ज़्यादा इजी होगा। CBD इक्वल टू ADB जो हमें फाइंड करना है। ये देखिए ADB, ये भी किससे हुआ? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो CBD देखिए, ये तो क्वेश्चन हमें दिया ही है, गिवन ही था 80 डिग्री, तो एंगल ADB भी 80 डिग्री, ये आपका सॉल्व हुआ कंप्लीट। नाउ 4B, इन फिगर 2 गिवन बिलो ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अरे पैरेललोग्राम हर बार आइए, बहुत अच्छा लगता है पैरेललोग्राम करना। फाइंड द एंगल ऑफ ट्रायंगल AOD, ये आपका डायग्राम है AOD, हमें एंगल यहाँ का फाइंड करना है, एंगल ओ। अरे सॉल्व करने की भी क्या ज़रूरत है, यही कर लेते हैं भाई। ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको BOC, अगर BOC का हम सम ऑफ ऑल एंगल ऐड करें तो हमें ये एंगल मिल जाएगा 77, 35 कितना होगा? 75, 12, 2 रिमाइंडर 1, 73, 10, 111, 112। अब ये देखिए, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होगा ना, तो ये 112 हुआ, तो ये 112 आंसर तो हो गया, यही तो फाइंड करना था। तो चलिए सॉल्व राइट कर देते हैं इसे। तो सबसे पहले हम चलते हैं इन ट्रायंगल COB, इन ट्रायंगल COB सम ऑफ ऑल एंगल, सम ऑफ ऑल एंगल्स, एंगल्स इन ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 30 प्लस 77, क्योंकि इसे आप अगर राइट करेंगे तो ऐसे राइट करना पड़ेगा, OCB प्लस CBO प्लस BOC, BOC इक्वल टू 180 डिग्री। OCB देखिए, OCB आपका 35 है यहाँ पे, प्लस CBO 77 प्लस BOC इक्वल टू 180, तो ऐड करिए 70, ये आपका 112 नहीं होगा, अभी तो माइनस करना पड़ेगा ना, 75, 12, 1 रिमाइंडर, 73, 10, 111। अरे ये तो टोटल हुआ ना, अभी तो BOC हमने फाइंड ही नहीं किया, तो BOC इक्वल टू 180 माइनस 112, सो एंगल BOC 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 1 6, कैंसिल 68, यानी ये भी 68 होगा, थोड़ा सा माफ कीजिएगा। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए वर्टिकल अपोजिट एंगल, भाई ये तो वर्टिकल अपोजिट एंगल है ना भाई, टू लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो ये सभी वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं, ये सभी वर्टिकल अपोजिट एंगल हैं। तो फ्रॉम वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, तो देखिए AOC यही तो हमें फाइंड करना था, AOD एंगल AOD इक्वल टू क्या है? BOC एंगल BOC, और यहाँ पे देखिए BOC की वैल्यू हमारे पास है एंगल 68 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ सी इन फिगर 3 गिवन बिलो ABCD इज अ रोम्बस। अब ये आपका ABCD एक रोम्बस है, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हमें ये देखिए हाफ है, ये डायगोनल्स है, ये हाफ है, और यहाँ पे आपको दिया हुआ है कंप्लीट एंगल का।
और रोमबस की प्रॉपर्टी क्या होती है एंगल्स के अकॉर्डिंग, कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल इज़ 180 डिग्री। जैसे ट्रेपेजियम में हमने आपको बताया था, वैसे सेम रोमबस की भी होती है, ठीक है। अगर ए और बी को ऐड कर दें तो 180 डिग्री होगा, क्लियर। तो यहाँ पे हम ऑलरेडी जानते हैं इन रोमबस, रोमबस ए बी सी डी, ए बी सी डी सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एंगल्स इज 180 डिग्री। तो चलिए हमारे पास जहाँ पे वैल्यू है हम उसी का यूज़ करेंगे, डी और सी का तो यूज़ नहीं करेंगे। तो एंगल ए प्लस एक्स नहीं आप कर सकते, क्योंकि ये कंप्लीट होगा तभी बी होगा, ये तो आपका हाफ एक्स है, ठीक है। तो हम एंगल यहाँ पे बी करेंगे, एक्स नहीं करेंगे। अगर एक्स करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि अगर ये पूरा होता एक्स तो तुरंत आंसर आ जाता। एंगल ए 72, एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। सो एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 72 डिग्री। सो एंगल बी 10 माइनस 2 8, 7 माइनस 7 0, 108 डिग्री। चलिए बी किया है। अब यहाँ पे देखिए रोमबस की प्रॉपर्टी होती है, जो डायगोनल्स होती है वो बाइसेक करती है एंगल्स को, किसे करती है, एंगल्स को भी बाइसेक करती है। यहाँ तो बाइसेक करती है लेकिन एंगल्स को भी बाइसेक करती है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। तो सो एंगल एक्स क्या हो जाएगा, वो बी का हाफ हो जाएगा, बी का हाफ यानी 1/2 एंगल बी, याद रखिएगा ये बात। सो एंगल एक्स इक्वल टू 1/2 इंटू 108, 2 से कट कर दीजिए, 2 5 जा 10, 2 4 जा 8। सो एक्स इक्वल टू 54 डिग्री, ये आपका आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, इन फिगर फर्स्ट गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम, फिर से पैरेललोग्राम अच्छी बात है, विथ पैरामीटर यहाँ पे दिया है 40 सेंटीमीटर, और अच्छी बात है। पैरामीटर का तो कोई फार्मूला होता ही नहीं है, कोई भी डायग्राम हो उसके सभी साइड्स को ऐड कर दीजिए, वही पैरामीटर है, सिंपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई, चलिए फाइंड करते हैं। ये हमारा डायग्राम है, अब भाई पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी यहाँ पे अटेंड होगी। इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी, अब कितनी प्रॉपर्टी है इसमें, 8 to 10 समथिंग होती है। अपोजिट साइड्स पैरेलल आल्सो इक्वल, तो सभी जब अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो क्यों ना कर दें यहाँ पे। पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी से अपोजिट साइड्स इक्वल मीन्स ए बी जो होगा वो सी डी इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू सी डी, सिंपल। एंड ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, क्लियर। किससे, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम, इन पैरेललोग्राम, सिंपल। तो ए बी की वैल्यू जो है 3x, उसके जगह में हम 2y+2 भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, सिंपल। तो ए बी इक्वल टू सी डी जो हमें गिवन है यहाँ पे प्रॉपर्टी से, तो ए बी की वैल्यू आपका 3x है और डी सी की वैल्यू है 2y+2, सिंपल। अब ये 2x है तो ये भी 2x होगा, नो डाउट। और हमारे पास सिर्फ दिया है पैरामीटर, सो पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम, पैरामीटर का क्या फार्मूला होता है, द सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पैरामीटर, ऑल साइड, तो सभी को ऐड कर दीजिए। चलिए फर्स्ट 3x है, ये क्या है आपका 2x है। अब देखिए 2y+2 क्यों लिखें भाई, ये दोनों इक्वल है ना, हम y लेंगे तो और परेशान होंगे और सॉल्व तो कर भी नहीं पाएंगे। तो क्या हम 3x यहाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये देखिए। तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं 3x, और यहाँ पे फिर से क्या है +2x, आपको समझ में आ गया। ये 3x हमने क्यों किया, क्योंकि CD की जो वैल्यू है वो 2y+2 है और CD जो है वो इक्वल है किसके, AB के, और AB की वैल्यू है 3x, तो हम इसके जगह में 3x भी राइट कर सकते हैं। और इसकी वैल्यू दी हुई है 40, पैरामीटर कितना दिया है 40। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, 3 3 6, 6 2 8 2 10, 10x इक्वल टू 40, सो x इक्वल टू 40/10, 10 4 जा 40। सो चलिए फर्स्ट आपका आंसर फाइंड हुआ x की वैल्यू। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लेते हैं y, क्यों,
क्योंकि वाई तो यहाँ है सी डी, तो ए बी इक्वल टू सी डी। तो सी डी देखिए ए बी इक्वल टू सी डी, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हमने फर्स्ट से ही आपको बताया। ए बी की वैल्यू क्या है 3x, तो सी डी की वैल्यू 2y प्लस टू, वैल्यू रख दीजिए x के प्लेस में, तो 3 इंटू 4 इक्वल टू 2y प्लस टू। इससे क्या होगा, y की भी वैल्यू आ जाएगी, 3 4 12, 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए 2y, सो y इक्वल टू 12 माइनस 2 10, और 2 डिवाइड पे आ जाएगा ये 5, यानी y की भी वैल्यू क्या हुई 5। ये आपका आंसर। चलिए बी नंबर करते हैं, ये डायग्राम है, इसमें भी x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, इन पैरेललोग्राम ए बी सी डी। चलिए x और y की वैल्यू, अब देखिए यहाँ पे माइंड क्योंकि प्रॉपर्टी अगर हमारे पास है, हम इतना आसानी से क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर्टी है, और अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो आप क्वेश्चन पे फंसते ही जाएंगे, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, भाई हमें अभी क्या ज़रूरत है साइड की, क्यों, क्योंकि हमारे पास इस बार एंगल दिया है, तो एंगल की बात करते हैं। हमने अभी क्या बताया था आपको कुछ क्वेश्चन पहले कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल होते हैं, देखिए यहाँ भी x है यहाँ भी x है, चलिए x की वैल्यू भी फाइंड हो जाएगी, तो क्यों ना इसे राइट कर लें एंगल a के साथ एंगल c, तो एंगल a इक्वल टू, या ऐसे कर लेते हैं एंगल c फर्स्ट हमने राइट कर दिया, तो एंगल इधर कर लेते हैं, नो डाउट। सो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सिंपल, तो इक्वल होते हैं, तो एंगल c का आपका x प्लस 40 और ए का है 3x माइनस 20। एक्स जो आपका ग्रेटेस्ट है उसी साइड कर लीजिए, देखिए 3x इधर है तो x को इधर ले आइए, 40 इधर है 20 को उधर ले जाइए प्लस 20, ये हो गया 60, 3x माइनस x 2x, सो x इक्वल टू 60 अपॉन 2 30, सो x वैल्यू 30 डिग्री। चलिए x तो मिल गया, अब देखते हैं y कहाँ पे है, ये है y, तो आप तो जानते हैं को इंटीरियर एंगल, अगर इन दोनों को ऐड कर दें पैरेललोग्राम में तो 180 डिग्री, इन दोनों को ऐड कर दें तो भी 180 डिग्री, a और d को ऐड कर दें तो भी 180 डिग्री होना चाहिए, d और c को ऐड कर दें तो भी 180 डिग्री होना चाहिए, तो भाई हमें बेनिफिट कहाँ पे मिलेगा, देखिए x की वैल्यू है यहाँ पे रख दें तो एक नंबर हो जाएगा, और इन दोनों को ऐड कर दें 180 डिग्री हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख दीजिए सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री, किसमें, इन पैरेललोग्राम, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी होती है, तो चलिए ऐड करते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल ए यहाँ पे 3x है माइनस 20 प्लस बी y प्लस 15 इक्वल टू 180 डिग्री, x की वैल्यू 30, सो 3 इंटू 30 और माइनस 20 प्लस 15 माइनस 5 हो जाएगा, और माइनस 5 को हम ट्रांसफ़र कर देते इधर, ठीक है, सो y इक्वल टू ये हो जाएगा 175 और 33 जा 90 को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस 90, सो y इक्वल टू 5 माइनस 0 5 9 8 17 सॉरी 5 0 ये हो गया 9 8 17, सॉरी यहाँ पे माइनस 20 प्लस 15 माइनस 5 होगा ना, तो इधर ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा, ये 85 होगा, ठीक है, तो 5 माइनस 0 5 और 9 9 18, तो 95 डिग्री हुआ y की वैल्यू, ठीक है, ये आपका आंसर है। लेकिन आप चाहते हैं कि सभी एंगल्स हम फाइंड करना चाहते हैं सर, तो आप एक काम करिएगा x की वैल्यू इस पे रखिएगा तो एंगल a फाइंड हो जाएगा, y की वैल्यू इस पे रखिएगा, देखिए y की वैल्यू अगर हम इसमें रख दें तो 95 प्लस 15 कितना होगा, 550 और 9 1 10 1 11, तो 110 हुआ ये, 110, तो ये भी आपका 110 होगा, नो डाउट। x की वैल्यू कितनी है 30, देखिए सिंपल है, तो 30 प्लस 40 कितना होगा 70, तो ये भी आपका 70 होगा, चेक करके आप देख सकते हैं 70 ही आएगा, रख के देखिए
3 3 9 90 हो जाएगा, 90 माइनस 20 70 हो गया, तो आपके सभी एंगल्स भी फाइंड हो गए। नाउ 5 2 सी, इन फिगर थर्ड गिवन बिलो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, एक रोम्बस है। चलिए रोम्बस की कुछ प्रॉपर्टी भी समझ लेते हैं। रोम्बस की प्रॉपर्टी कि सभी साइड्स इक्वल होते हैं। क्या होते हैं? सभी साइड्स, यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अब देखिए यहाँ पे हमें x और y, तो यहाँ x है यहाँ भी x है, तो अगर हम इन दोनों को इक्वल कर दें, क्योंकि इक्वल तो होते हैं, तो x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हाँ y थोड़ा अंदर है, तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टी से ही। तो फर्स्ट इन रोम्बस प्रॉपर्टी क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं, यानी ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी इक्वल टू बी सी, सभी साइड्स। तो हमें यहाँ पे ज़रूरत किसकी, ए बी और डी ए की, ए डी की। तो ए बी इक्वल टू हम ले लेते हैं ए डी, ए बी यहाँ पे है 3x + 2 और ए डी क्या है 4x - 4। एक्स को एक साइड कर लीजिए, ये बस याद रखिएगा जो ग्रेटेस्ट है उसी के साइड एक किया करिए, जिससे आप माइनस से फंसेंगे नहीं। यहाँ पे देखिए 2 है, -4 को ट्रांसफ़र करिए +4, देखिए हमारा कहीं पे भी माइनस नहीं आ रहा। 4 2 क्या हो गया 6, 4x - 3x एक्स। चलिए एक्स की वैल्यू फाइंड हो गई। अब बात करते हैं ये ट्रायंगल, क्योंकि ट्रायंगल में डायगोनल्स में है वाई, ठीक है, इसलिए हम यही ट्रायंगल लेते हैं। इन ट्रायंगल ए डी बी, ए डी बी, अब गौर से देखिएगा ए डी बी में ये साइड के इक्वल है ना, ये दोनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर दो साइड्स इक्वल हों तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, मालूम है, बिल्कुल याद रखिएगा, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। मीन्स ए डी बी इक्वल टू ए बी डी, ये बात याद रखिएगा, ठीक है, ये ट्रायंगल्स की प्रॉपर्टी है, अगर कोई भी दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ए डी बी को हम स्टॉप करते हैं। अब यहाँ पे देखिए ए बी डी, कोई भी एक एंगल ले लेते हैं ए बी डी, देखिए बाइसेक्टर है, एक डायगोनल्स है, इसे बाइसेक्ट कर रहा है, तो बाइसेक्ट कर रहा है मतलब ये पूरे एंगल्स का ये हाफ होगा, तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, 180 माइनस एंगल बी ए डी, गौर समझिएगा, हम एक्सप्लेन भी करेंगे हम क्यों लिख रहे हैं, अपॉन 2, क्लियर। अब देखिए ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंगल इज ट्रायंगल 180 डिग्री, क्लियर। अब ये बताइए अगर हम यहाँ पे देखें ए डी बी हमें निकालना है, ए डी बी कोई भी इन दोनों में से कोई भी, तो ये ट्रायंगल को हम अलग करते हैं थोड़ा सा, तब और ज़्यादा आपको समझ में आएगा, ये डी है, ये ए है, ये बी है। अगर ए का आपको एंगल यहाँ पे मिल गया 60, तो ये कितना होगा, ये तो आपको किसी को भी पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना ज़रूर जानते हैं कि इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो 120 होगा, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी है 180 ज़्यादा नहीं होगी, तो ये 60 है, तो श्योर है कि ये 100 हो सकती है, 20 हो सकती है, ये 70 हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 60 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 120 से न कम हो सकता है न ज़्यादा हो सकता है, क्लियर। तो अगर हम यहाँ पे सोचें 180 होगा तो टोटल 180 सम ऑफ, तो अगर 180 से हम ये एंगल बी ए डी, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं, ये तो क्लियर हो गया, ये दोनों अगर इक्वल हैं तो हम 180 से इसे, भाई दोनों अगर इक्वल हैं तो श्योर है कि अगर ये तो पहले से क्लियर है कि भाई ये 60 होंगे, हम सॉल्व करने से पहले ही आपको बता देते हैं, क्यों, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, इसके अपोजिट एंगल भी इक्वल हैं, और इक्वल हैं मीन्स क्या होंगे, ये जितना होगा उतना ये होगा, अब 122 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 60, यानी ये क्लियर है कि ये 60 होगा, ये 60 होगा, बिना सॉल्व करे पहले से लिख देते हैं, लेकिन हम ये क्यों लिखें वो बता रहे हैं, टोटल 180 और दोनों का ऐड कितना है, दोनों का ऐड क्या हो जाएगा, एंगल बी ए डी कोई भी एक टू ले लीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, देखिए 2 से हमने डिवाइड किया, वही यहाँ पे 2 है, क्लियर, लेकिन हम तो फाइंड कर रहे हैं 120, तो 120 जो हमें ये लिख दिए हमने नाम कोई सा भी एक, सिंपल। अब आप वैल्यू रख दीजिए,
ए डी बी इक्वल टू 180 माइनस बी ए डी, देखिए बी ए डी, बी ए डी आपका कितना है 60, तो 60 कर दीजिए अपॉन 2, यानी 180 माइनस 60 कितना होगा 120 अपॉन 2, आ गया वही 60 डिग्री, तो ये दोनों क्या हो गए 60 डिग्री। अब 60 तो हो गए, इससे रिजल्ट क्या हुआ कि ट्रायंगल जो है ए बी डी वो एक इक्विलेटरल हुआ। नाउ ट्रायंगल ए डी बी इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्यों? क्योंकि अगर 60-60 है तो सभी साइड्स क्या होंगे उसके इक्वल हो जाएंगे, ये तो कोई वो वाली बात तो है नहीं भाई, इक्विलेटरल हो गया। अब इक्विलेटरल हुआ तो सभी साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो कोई भी एक साइड से वाई के पास रख दीजिए क्योंकि सभी साइड्स इक्वल हो जाएंगे, ए डी इक्वल टू ए बी इक्वल टू डी बी। अब हमें ज़रूरत है एक्स के साथ इसको करना, तो हम ले लेते हैं यहाँ पे ए डी इक्वल टू ए बी, कोई सभी ले लीजिए, ए डी इक्वल टू हम यहाँ पे ले लेते हैं इक्वल टू डी बी। ए डी की वैल्यू क्या है 4x-4, डी बी y-1, एक्स की वैल्यू तो पहले ही फाइंड हो गई है 6 है, तो 4 × 6-4 इक्वल टू y-1, 4×6=24, 24-4=20, क्लियर, और माइनस वन को ट्रांसफ़र कर दीजिए +1, सो y की वैल्यू आ गई आपकी 21, ये आपका आंसर हुआ, y की वैल्यू 21 और x की वैल्यू 6। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल्स ए सी एंड बी सी ऑफ अ रेक्टेंगल ए बी सी डी। चलिए एक रेक्टेंगल यहाँ पे बनाते हैं, ये आपका रेक्टेंगल हुआ ए बी सी एंड डी, इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट पी, डायगोनल्स बी डी ए सी एंड बी डी, यहाँ पे बी डी होना चाहिए बी डी, ठीक है, ये हो गया ऑफ रेक्टेंगल ईच अदर एट पी, चलिए पी पे इंटरसेक्ट होगा, ये भी क्लियर हो गया। इफ ए बी डी, एंगल ए बी डी कहाँ पे, ए बी और डी, ए बी डी आपका 50 डिग्री है, चलिए ये भी हो गया। फाइंड डी बी सी, तो हमें फाइंड करना है डी बी सी, तो इन रेक्टेंगल ए बी सी डी, ठीक है, टू डायगोनल्स हैं जो इंटरसेक्ट करते हैं पी पे, आप गिवन पे राइट कर सकते हैं, हमें टू फाइंड क्या फाइंड करना है, एंगल डी बी सी। तो देखिए सॉल्व करने से पहले हमें प्रॉपर्टी मालूम होनी चाहिए, राइट एंगल्स का रेक्टेंगल क्या होता है कि अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, क्या होते हैं अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, ठीक है, सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री होते हैं, सभी एंगल्स क्या होते हैं 90 डिग्री, लेकिन यहाँ से तो बाइसेक्ट है ना, अगर ये ना होता डायगोनल्स तो तुरंत से सॉल्व हो जाता 90 के अकॉर्डिंग, लेकिन ये हाफ है बाइसेक्टर है, चलिए इससे भी थोड़ा सा मिस हो गया, कोई बात नहीं, अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं ये तो क्लियर है, तो इसका मीन्स हुआ इसमें, और सेकंड इम्पॉर्टेंट जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, यानी इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, क्या होते हैं इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं, अब इसे फाइंड करते हैं सॉल्यूशन, सो इन ट्रायंगल रेक्टेंगल ए बी सी डी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर इन रेक्टेंगल, इसका मीन्स हुआ कि सभी इक्वली पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो हमें तो ज़रूरत है एक ही एंगल है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे राइट कर सकते हैं ए पी इक्वल टू पी बी, ए पी इक्वल टू पी बी, आप सभी को लिख सकते हैं, इसका मीन्स ये नहीं कि इतना ही होगा, पी डी इक्वल टू डी सी बी होगा, क्या होगा पी डी इक्वल टू डी सी बी होगा, ठीक है, लेकिन हमें इसी की ज़रूरत है तो हम इसी को ही राइट करते हैं। अब यहाँ देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल है ना, ये दो साइड्स इक्वल हो गए, तो इसका मीन्स क्या होगा अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, सिंपल अभी हमने आपको बताया, तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, तो देखिए ए पी का अपोजिट एंगल ये है, तो पी बी ए, एंगल पी बी
ए इक्वल टू इसका अपोजिट क्या है, ये वाला पी ए बी, पी ए बी। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, ये आपका क्लियर होगा। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि पी बी ए जो है वो 50 डिग्री है, तो पी ए बी भी 50 होगा, तो ये भी आपका हुआ 50 डिग्री यहाँ से यहाँ तक का। अब देखिए हमें चाहिए यहाँ की वैल्यू डी बी सी, यही ना फाइंड करना है। तो भाई वर्टिकल अपोजिट एंगल तो आप जानते होंगे, टू लाइन है इंटरसेक्ट है तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, तो ये भी तो डायगोनल्स बाइसेक्ट हो रहे हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल, यही तो हमें फाइंड करना है। तो हम अगर इधर का एंगल जान गए तो वर्टिकल से उसे लिख देंगे, और ये है हमारा ट्रायंगल और हमारे पास है दो साइड्स, और अगर आप सॉल्व किए बिना जानना चाहते हैं तो 50 50 100, ये हो जाएगा आपका 80 और इसका आंसर आ जाएगा 80। चलिए पहले से आंसर, तो हम करते हैं यहाँ पे नाउ इन ट्रायंगल एबीसी, नाउ इन ट्रायंगल एबीसी या पीएसी पीएबी कर देते, सॉरी पीएबी वही राइट उतनी बात है। सो वी नो दैट सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री, तो एंगल एपीबी प्लस पीबीए प्लस बीएपी बी ए पी इक्वल टू 180 डिग्री, ये पी हुआ बी और ए, ये सेंटर की ही तो बात होती है। पी को देखिए यही तो फाइंड करना है, बी देखिए 50, ए देखिए 50, 180 डिग्री। सो ए पी बी इक्वल टू 180, 50 50 100, 100 ट्रांसफ़र कर दीजिए, सो ए पी बी इक्वल टू 80, ये आपका आया 80 यहाँ का। तो वर्टिकल अपोजिट एंगल से आपका वो भी हो जाएगा, तो आप यहाँ पे राइट कर दीजिए नाउ एंगल ए पी बी इक्वल टू डी पी सी, एंगल डी पी सी किससे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, क्लियर। अब ए पी बी की वैल्यू 80 है तो डी पी सी भी 80 ही होगा, और यही हमें फाइंड करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन फिगर फर्स्ट, ये आपका फर्स्ट डायग्राम है, गिवन बिलो इक्विलेटरल एंगल ई बी सी, ई बी सी कहाँ पे है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल है सरमाउंटेड, सरमाउंटेड मतलब होता है ऊपर, जैसे हम किसी के ऊपर कुछ चीज़ रख देते हैं ना, कोई भी पुट करना, वही सरमाउंटेड कहलाया। स्क्वायर ए बी सी डी, यानी ए बी सी डी एक स्क्वायर है, इसके ऊपर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल रखा हुआ है। सो फाइंड एंगल बी ई डी, यानी बी ई और डी, ये एक्स है जो ये पूरे एंगल्स नहीं है, यहाँ तक के एंगल यानी ई बी डी का हमें फाइंड करना है। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट है प्रॉपर्टी, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होता है, सभी साइड्स इक्वल होते हैं और सभी एंगल्स 60 डिग्री होते हैं, ठीक है। चलिए ऊपर की बात हो गई, नीचे आते हैं, सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं और सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। देखिए कुछ भी नहीं दिया है, अब भाई प्रॉपर्टी से ही तो अप्लाई होगा ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं 7 to A। तो सबसे पहले हम चलते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल, सो फर्स्ट इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ई बी सी, सो इक्विलेटरल ट्रायंगल है ये, इन इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ पे कर लीजिएगा इक्विलेटरल, ठीक है, ट्रायंगल ई बी सी, इसका मीन्स क्या हुआ कि ई बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ई सी, ठीक है, ये आपका इक्वेशन फर्स्ट हुआ। अब नीचे क्या दिया है कि स्क्वायर ए बी सी डी, स्क्वायर ए बी सी डी, अब स्क्वायर ए बी सी डी में भी सभी साइड्स इक्वल होते हैं, तो ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए। अब गौर से देखिएगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में बी सी जो है वो सभी साइड्स की इक्वल है, क्लियर। अगर बी सी को हम मान लें 2 सेंटीमीटर, सपोज थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं 2 सेंटीमीटर, तो ये तो स्क्वायर भी तो है ना, तो अगर ये 2 सेंटीमीटर तो ये भी तो 2 होगा ना, तो ये भी 2 होगा, ये भी 2 होगा, तो भाई
इक्विलेटर ट्रायंगल भी तो इसी पे है, ये अगर 2 होगा तो ये भी 2 होगा, ये 2, मतलब सभी साइड 2 सेंटीमीटर के हैं। तो आप यहाँ पे कर लीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, सभी साइड्स इक्वल हैं भाई, तो आप सभी को एक साथ लिख लीजिए ई बी इजक्वल टू बी सी इजक्वल टू ई सी इजक्वल टू ए बी इजक्वल टू बी सी इजक्वल टू सी डी इजक्वल टू डी ए, हमने दोनों साइड्स को पूरा इक्वल कर दिया। चलिए यहाँ तक तो आ गए। अब यहाँ पे देखिए एक ट्रायंगल और बचा ई सी डी। देखिए पहले ट्रायंगल ले लिया इक्विलेटर, स्क्वायर भी आपको दिखा दिए, ई सी डी में आते हैं, एन ट्रायंगल ई सी डी। अब इसको करने से पहले कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, ध्यान से देखिएगा ई सी डी में गौर से, ये सभी साइड्स इक्वल हैं ये तो नो डाउट, एक ही साइड बस इक्वल नहीं होगा वो जो ई से डी तक है। देखिए ये थोड़ा सा लंबा है, लॉन्ग भी है, और इसका किसी भी साइड से कोई संबंध नहीं है, कोई रिलेशन ही नहीं है, ठीक है ए डी से। लेकिन ए सी को देखिए क्या डी सी डी के इक्वल है, है ये देखिए ई सी और सी डी सब इक्वल हो गए, क्यों, क्योंकि स्क्वायर ये टू और ये, तो ये दोनों साइड्स क्या हुए इक्वल, इतना तो आपको समझ में आ गया। चलिए तो इन ट्रायंगल ए बी सी में इसे हम थर्ड इक्वेशन कर देते हैं, फ्रॉम ये आपका फर्स्ट हो गया, अब देन सेकंड। चलिए ये फर्स्ट हमको तो मिल गया, अब बात करते हैं एंगल चाहिए भाई, एंगल तभी तो प्रूफ होगा, अदरवाइज कैसे प्रूफ होगा। और ये हम जानते हैं, देखिए एक्स हमें फाइंड करना है, ये टोटल कितना होगा ये बताइए, इक्विलेटर ट्रायंगल का एक एंगल कितने डिग्री होता है, 60। तो बस अगर ये छोटा वाला एंगल मिल जाए तो तुरंत आंसर आ जाएगा, और हम ये स्मॉलेस्ट एंगल को ही सर्च कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इसका टोटल तो 60 है नो डाउट, क्योंकि सभी एंगल 60 होंगे, ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा नो डाउट। अरे आंसर मिल गया, अरे और ये आपका क्या है स्क्वायर है, तो भाई ये तो सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, ये तो सभी जानते हैं कि टोटल एंगल 90 तो हो तो गया। तो देखिए ई सी डी मिल गया, ध्यान से देखिएगा एंगल ई सी डी इज इक्वल टू ई सी बी एंगल ई सी बी प्लस डी सी बी, डी सी बी समझ में आ गई बात, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एंगल कितना होता है 60, तो ई सी बी में आप रख दीजिए 60 डिग्री, डी सी बी देख लीजिए ये तो 90 होता है, यहाँ 90 कर दीजिए, मीन्स क्या हुआ कि ई सी डी इक्वल टू 9615 यानी 150 डिग्री क्लियर हुआ, यानी ये टोटल एंगल आपका 150 डिग्री हुआ। चलिए ये 150 हुआ मिल गया, और ये इक्वल साइड्स है ना, तो इनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे, इस ट्रायंगल को अलग करिए ना, अगर वहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा तो वो ट्रायंगल ऐसे है कुछ, ऐसे है, ये इक्वल साइड्स हैं, तो इसका अपोजिट आपको क्या दिख रहा है ये एंगल दिख रहा है, इसका अपोजिट आपको क्या दिख रहा है ये एंगल दिख रहा है, तो क्यों ना इन एंगलों को वाई ले लें, लेट कर लें, या इसे भी वाई कर लें, दोनों सेम हो जाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ई सी इजक्वल टू सी डी एंड ई सी इजक्वल टू सी डी, तो अगर ये साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे नो डाउट, तो इसका अपोजिट ये हुआ, तो सी डी ई एंगल, एंगल सी डी ई, सी डी ई ई सी का ही है ना ये, हाँ सी डी ई राइट, और सी डी का क्या हो जाएगा ये अपोजिट हो जाएगा, तो सी ई डी एंगल सी ई डी। चलिए हो गया, अब ये दोनों साइड एंगल्स क्या हैं इक्वल है, तो लेट कर लें क्या वाई, अगर वाई कर लेंगे तो आपको बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, इसे हम कर लेते हैं वाई और इसे कर लेते हैं वाई, क्लियर, तो ये दोनों क्या हो गए वाई। अब हमें ट्रायंगल, अब हम ट्रायंगल को फाइंड कर सकते हैं, देखिए अब आप करिए ई सी डी, क्योंकि हमें दो एंगल मिल गए, अब हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं, तो ट्रायंगल ई सी डी, नाउ इन ट्रायंगल ई सी डी, अब प्रॉपर्टी क्या होती है सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री, तो फिर से लिखना पड़ेगा सी ई डी, सभी एंगल्स को लिखना पड़ेगा क्योंकि सब टूटे हुए हैं, तो ई सी डी प्लस एंगल सी डी ई प्लस एंगल डी ई सी इक्वल टू 180 डिग्री, हम डायग्राम देखे किए हैं
देखिए सी, ये डी और ये ई, सी डी और ई। अब देखिए ये एंगल वाई, ई वाला ई देखिए कहाँ पे, ये है, तो ये वाई हो गया, हमने लेट किया वाई क्योंकि बार बार आपको लिखना नहीं पड़ेगा। और सी डी ई देखिए, सी डी ई ये भी वाई है, यहाँ भी वाई कर लीजिए। और ई सी डी देखिए, ई सी डी ये हमने फाइंड किया ई सी डी 150। अब आपका आंसर बहुत नज़दीक है, 2y = 180 - 150, सो y = 30/2, 15, सो y = 15 डिग्री। और ऑल्सो वी नो दैट ऑल ईच एंगल्स इन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री, सभी एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं। तो देखिए ये छोटा सा है y और ये आपका यहाँ से यहाँ तक है x डिग्री, ठीक है। नाउ इन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ट्रायंगल BEC, तो सभी एंगल्स क्या होते हैं 60 डिग्री होते हैं। तो एंगल E को गौर से देखिए, यहाँ पे देखिए BEC, एंगल BEC इक्वल टू x प्लस वाई, क्योंकि दो एंगल हैं इसमें, तो आप कर दीजिए x प्लस वाई, x हमें फाइंड करना है, और डिग्री कितनी होगी दोनों का ऐड करेंगे 60 डिग्री, भाई सभी एंगल्स तो 60 डिग्री होते हैं ना, तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, y का 15, सो 60, सो x इक्वल टू 60 - 15, कितना आ जाएगा आपका 45 डिग्री। ये हुआ आपका फाइनल आंसर। नाउ 7 to 2b, इन फिगर 2 गिवन बिलो ए बी सी डी इज रेक्टेंगल, डायगनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, ये आपका डायगनल्स है, इंटरसेक्ट ओ, रेक्टेंगल ए बी सी डी, एंड ए सी इज प्रोड्यूस टू ई, और ए सी को प्रोड्यूस किया गया एना थोड़ा सा आगे तक ई तक, इफ एंगल ई सी डी, ई सी और डी देखिए 146, सो फाइंड द एंगल ए ओ बी, हमें यहाँ का एंगल फाइंड करना है। तो देखिए प्रॉपर्टी हमारे पास होनी चाहिए, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, और जो डायगनल्स होते हैं बाइसेक्ट ईच अदर, यानी सभी इक्वल होते हैं, डायगनल्स यहाँ से बाइसेक्ट होने के बाद सभी इक्वल होते हैं। तो ये प्रॉपर्टी रख के हम इसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है, इज अ रेक्टेंगल, क्लियर, ये तो ऑलरेडी है। अब यहाँ पे देखिए, गौर से देखिएगा, ये आपका एक लाइन यहाँ पे है 146, बेवजह तो दिया ना होगा, कुछ ना कुछ तो होगा उसमें काम। देखिए 146 यहाँ तक है, इसको और घुमाइए ना, कहाँ तक घूम रहा है, ये यहाँ तक घूम जाएगा। तो ये लाइन को गौर से देखिए, ये हमने लाइन कर दिया, यहाँ पे एक एंगल ऐसे कर दें, तो अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये कितना होगा 150, किससे, लीनियर पेयर एंगल से, तो किससे, लीनियर पेयर एंगल्स, चलिए कुछ तो एंगल फाइंड होगा, क्योंकि ये सभी तो 90 डिग्री होते हैं, ये भी आपका 90 डिग्री होगा, ये भी आपका 90, ये भी 90 डिग्री, क्योंकि रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। तो एंगल से गौर से देखिए, ई सी डी, एंगल ई सी डी प्लस डी सी ए, गौर समझिएगा, एंगल डी सी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा 180। भाई ये लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी होती है कि कोई भी एंगल, कोई भी स्ट्रेट लाइन है, उसमें आप एक लाइन रे ड्रा कर दीजिए, अगर उसका यहाँ 20 डिग्री है तो 180 से 20 माइनस कर दीजिए, 160 डिग्री ये हो जाएगा। वही तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि ये आपका 146 दिया है ई सी डी, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 146 प्लस एंगल डी सी ए इक्वल टू 180 डिग्री, मीन्स डी सी ए इक्वल टू 180 - 146 मीन्स 34, सो एंगल डी सी ए हमें फाइंड हुआ 34 डिग्री। चलिए यहाँ से यहाँ तक का हमें एंगल फाइंड हुआ 34 डिग्री, क्लियर। अब ये 34 है, तो अब देखिए ये 90 डिग्री, ये सभी 90 डिग्री, साइड्स अपोजिट साइड्स इक्वल हैं, तो मतलब ये आपके पैरेलल भी हुए ना भाई, ये अपोजिट साइड्स इक्वल हुए मतलब पैरेलल भी हुए, तो ये आपका 34, ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर से हो जाएगा क्या, ये भी 34, तो यहाँ पे हम राइट करते हैं एंगल, या फर्स्ट इक्वेशन आप कर लीजिए, एंगल यहाँ पे सी ए बी,
एंगल सी ए बी इज इक्वल टू ए सी डी, एंगल ए सी डी किस रीजन से, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स किस रीजन से, क्योंकि ए बी और बी सी इक्वल हैं तो पैरेलल भी होंगे। तो ये हुआ आपका सी ए बी इज इक्वल टू, देखिए सी ए बी इज इक्वल टू ए सी डी का आपका 34 आया, ये है आपका ए सी डी, वही है डी सी ए, ए सी डी सेंटर से मतलब होता है कि कौन सा एंगल है, 34 ये आपका हुआ सेकेंड इक्वेशन। अब ये आपका 34 डिग्री हुआ, क्लियर। अब थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करने से पहले एक बात हम यहाँ पे पूछ रहे हैं कि मान लीजिए ये हमने एक लाइन ड्रा किया, यहाँ से हमने एक एंगल बनाया, ठीक है, एंगल है मान लीजिए 30 डिग्री। अब मान लीजिए हमने यहाँ पे पॉइंट किया ए बी सी, बोलिए इसे ये कितना एंगल होगा, 30 डिग्री ए बी सी। चलिए इसे और आगे तक करते हैं, इसे कर देते हैं डी। अब बोलिए डी बी सी क्या एंगल चेंज हुआ, नहीं हुआ ना। और आगे कर लीजिए ई कर लीजिए, ई बी सी क्या एंगल चेंज हुआ, नहीं हुआ। लाइन चाहे जितना भी हो अगर आपका एंगल वही है तो वही रहेगा। तो देखिए लाइन यहाँ से आ रही है तो चाहे हम इसे ई ए बी बोलें तो भी 34 होगा, सी ए बी भी बोलें तो भी 34 होगा, ओ ए बी भी बोलें तो भी वो 34 ही होगा, क्लियर। तो ये बताइए ये आपका सी ए बी है, सी ए बी 34, तो ओ ए बी भी तो 34 होगा ना। सो एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 34 डिग्री, क्लियर। चलिए अंदर तो आ गए क्योंकि हमें यही तो फाइंड करना है, ये ए ओ बी यही तो फाइंड करना है, तो 34 एक मिल गया। अब ये बताइए डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर है ना, दोनों एंगल्स क्या होते हैं इक्वल, सॉरी साइड्स इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी तो इक्वल होंगे ना। तो ये देखिए इसका अपोजिट 34, इसका अपोजिट ये, तो ये भी 34 हो जाएगा। और फिर सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल से ये निकल जाएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन रेक्टेंगल, इन रेक्टेंगल्स रेक्टेंगल डायगोनल्स 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 बाइसेक्ट ईच अदर, बस सिंपल। और आप लिख लीजिए ओ ए इक्वल टू ओ बी, ओ ए इक्वल टू ओ बी, तो ओ ए ओ बी के अपोजिट भी एंगल इक्वल होंगे। तो देखिए इसके अपोजिट क्या हुआ बी, तो ओ ए ओ बी ए लिखिए, एंगल ओ बी ए इक्वल टू ओ बी के, देखिए ओ बी का अपोजिट ये ओ ए बी, एंगल ओ ए बी किस रीजन से, ये हुआ एंगल्स अपोजिट टू टू इक्वल साइड्स, सिंपल। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ओ बी ए की भी वैल्यू 34 डिग्री होगी, क्यों, क्योंकि ओ ए बी की वैल्यू ऑलरेडी 34 है। तो चलिए यहाँ भी आपका 34 हो गया। अब आप इन ट्रेंगल ओ ए बी में ले लीजिए, इन ट्रेंगल ओ ए बी सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रेंगल 180 डिग्री, तो 34 प्लस 34 हम यहाँ पे राइट कर देते हैं, आप लिख लीजिएगा या फिर चलिए राइट ही कर दें। फर्स्ट होगा ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ प्लस एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए ओ ए बी ये आपका है ओ ए बी 34, ए बी ओ आपके सामने है 34, और यही हमें फाइंड करना है ए ओ बी इक्वल टू 180। सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 180 माइनस 448 एंड 336 प्लस होके माइनस होंगे इधर आके, सो एंगल ए ओ बी इक्वल टू 10 माइनस 8 टू 7 माइनस 6 1 एंड 1 112 डिग्री, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 to 3, इन फिगर 3 गिवन बिलो, ये है आपका ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ए बी सी डी एक रोम्बस है एंड डायगोनल इंटरसेक्ट ओ, तो डायगोनल इंटरसेक्ट ओ, ठीक है। इफ एंगल ओ ए बी, ओ ए बी ये एंगल और ओ बी ए, ओ बी ए ये एंगल आपका 3:2 पे, और रेशियो का क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 1 पे
बेस्ट एक्सप्लेन किया है। रेशियो कभी भी हो एक्स फॉर्म पे चेंज करके कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फाइंड द एंगल ए ओ डी। अरे भाई इससे ये क्या सॉल्व हुआ, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बनता। क्यों? क्योंकि रोम्बस की प्रॉपर्टी ही है कि जो डायगोनल्स होते हैं बाइसेक्ट ए राइट एंगल। तो बिना सॉल्व करे ही हम बता सकते हैं कि इसका एंगल क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। ए ओ डी 90 होगा क्योंकि सभी एंगल्स 90 होंगे। डी ओ सी भी 90 होगा, सी ओ बी भी 90 डिग्री होगा, ए ओ भी 90 डिग्री होगा, सभी 90 होंगे। तो इसे सॉल्व करने से पहले अगर जिसको प्रॉपर्टी आती हो तो पहले से ही मालूम है। चलिए सिर्फ हमें प्रूव करना है कि इसका 90 डिग्री होगा, यानी यहाँ पे होना चाहिए देन प्रूव दैट एंगल ए ओ डी इज राइट एंगल। ये भी हो सकता है क्वेश्चन, चलिए प्रूव करते हैं। ठीक है, तो ये आप बोल सकते हैं जनरली कि इसे हम प्रूव करेंगे ए ओ डी सभी 90 डिग्री होते हैं, ये प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ये बात याद रखिएगा, ये प्रॉपर्टी है किसकी, रोम्बस की। तो यहाँ पे हम राइट करते हैं, हमारे पास दिया है लेट एंगल एंगल ऑफ रेशियो सॉरी लेट द रेशियो ऑफ एंगल अपोजिट लिख दिए, लेट द रेशियो ऑफ एंगल्स। कौन कौन से हमारे पास एंगल, ओ ए बी एंगल, ओ ए बी एंड ओ बी सी इज सॉरी ओ बी ए है इज 3x एंड 2x। चलिए ओ ए बी देखिए कहाँ पे है, ओ ए बी ये आपका हुआ 3x और ओ बी ए ये आपका हुआ 2x और ये कितना है 90 डिग्री। तो द सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री। तो पहले हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रॉपर्टी, वी नो दैट डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इंटरसेक्टिंग इट राइट एंगल। ये प्रॉपर्टी होती है, तो ये आपका 90 डिग्री हुआ। तो अब आप आ जाइए इन ट्रायंगल ए ओ बी, सम ऑफ ऑल एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री, ओ ए बी लिखिए, ओ ए बी प्लस ओ बी ए प्लस ए ओ बी इक्वल टू 180 डिग्री। चलिए अब सॉल्व करते हैं, ओ ए बी 3x, ओ बी ए आपका 2x है और ए ओ बी आपका 90 डिग्री है। सो 180 डिग्री 3x 2x 5x 5x 90 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, सो एक्स इक्वल टू 90 अपॉन 5, 5 1 जा 5, 4 5 8 जा 40, सो एक्स इक्वल टू 18 डिग्री। चलिए प्रूव करते हैं कि ये 90 डिग्री होता है, अदरवाइज नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एंगल ए ओ ए बी, ये फर्स्ट दिया है जो ओ ए बी इक्वल टू 3x, तो 3 into 18 3 जा 54 डिग्री। एंगल ओ बी ए इक्वल टू 2x मीन्स 2 into 18 18 2 जा 36, ऐड करके चेक करिए 6 4 10 5 3 8 1 9 हो गया ना 90 डिग्री। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू ए ओ डी। अब देखिए ए ओ बी हमने प्रूव किया, ए ओ डी भी आप लिख सकते हैं, एंगल ए ओ डी और लिखना चाहें तो डी ओ सी लिख सकते हैं, सी ओ बी क्योंकि हमें प्रूव ए ओ डी देना था, इक्वल टू 90 डिग्री। सो एंगल ए ओ डी इक्वल टू आल्सो 90 डिग्री। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।